अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 ओलिवर ट्विस्ट का। इस ये नॉवल है, बहुत जो लेंथी स्टोरी होती है उसको नॉवल कहा जाता है। चैप्टर नंबर 3 को समझने से पहले आप स्टार्ट के 2 चैप्टर्स पढ़ लें ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। अब इसमें जो हीरो है, इस नॉवल का जो हीरो है वो ओलिवर है, और ओलिवर जो एक ऑर्फन बच्चा होता है जो पेरेंटलेस होता है, जिसके ना मदर होते हैं ना फादर होते हैं। इस नॉवल में ये बताया गया है कि इसको कितनी डिफ़िकल्टीज अपनी लाइफ को स्पेंड करने में जो है फेस करनी पड़ी। ठीक है, अब ओलिवर ट्विस्ट है, चैप्टर नंबर 2 में ये ख़त्म हो गया था कि उसने जो है वर्कहाउस में ज़्यादा खाना मांग लिया था, इस वजह से उसको जो है कमरे में बंद कर दिया। अब इसके बाद हम पेज नंबर 12 में अब ये पढ़ेंगे कि अब क्या हुआ। चैप्टर नंबर 3, मिस्टर सॉवरबेरी जो एक अंडरटेकर थी, अंडरटेकर कौन होती, जो कफन दफन करने वाला होता है ना, ठीक है, उस वो थी, उनका अंडरटेकर का नाम था मिस्टर सॉवरबेरी, और उनकी असिस्टेंट थी, उनकी हेल्पर थी नोहा क्लेपॉल, और वहाँ पर जो है एक मेड थी, एक नौकरानी थी जिसका नाम था चार्लोट। ठीक है, 3 करेक्टर्स आप अच्छे तरीके से याद कर लें कि मिस्टर सॉवरबेरी अंडरटेकर थे, कफन दफन करने वाली, और उनकी असिस्टेंट थी नोहा। ठीक है, अब यहाँ पर पहली लाइन में क्या लिखा है, ओलिवर स्टेड लॉक्ड अप फॉर अ वीक, एक हफ्ते तक जो है कमरे के अंदर लॉक रहा, उसको कमरे में बंद कर दिया गया था क्योंकि इसने ज़्यादा खाना मांग लिया था इस वजह से। देन समवन डाइड इन द वर्क हाउस, कोई जो है, फिर मिस्टर सॉवरबेरी ने कहा कि किसी कोई जो है मर गया है। ठीक है, अब जो है उसने कहा कि मिस्टर बम्बल से, मिस्टर बम्बल कौन थे, जो वर्क हाउस को संभालने वाले कौन थे, मिस्टर बम्बल, उन्होंने उनसे कहा मिस्टर सॉवरबेरी ने कि जो है मुझे एक लड़की की ज़रूरत है जो मेरी हेल्प कर सके। ठीक है, अब इसने कहा है आई नीड अ बॉय टू वर्क फॉर मी, आई विल टेक हिम, मैं उसको ले जाऊँगा, मिस्टर बम्बल से कहा, जो वर्क हाउस के लीडर थे। अब एट द अंडरटेकर शॉप मिस्टर सॉवरबेरी कॉल्ड हिज वाइफ, अब मिस्टर सॉवरबेरी की जो वाइफ है वो कौन थी, मिसेस सॉवरबेरी, MRS सॉवरबेरी, मतलब मिसेस सॉवरबेरी से उन्होंने कहा, अपनी वाइफ से कहा कि ही इज़ अ रादर, उसमें मिसेस सॉवरबेरी ने, मिस्टर सॉवरबेरी ने ओलिवर का नाम लिया ना, तो मिसेस सॉवरबेरी मतलब उनकी जो वाइफ है उसने कहा कि वो बहुत छोटा सा बच्चा है, अपने हस्बैंड से कहा, ही इज़ सो स्मॉल, सैड मिस्टर सॉवरबेरी, बट ही विल ग्रो, तो जो मिस्टर सॉवरबेरी ने कहा लेकिन वो बड़ा हो जाएगा, अगर हम उसको खिलाएंगे पिलाएंगे तो वो बड़ा हो जाएगा। तो शी गेव ओलिवर सम लेफ्ट ओवर्स, तो वो जो है उनकी जो वाइफ है मिसेस सॉवरबेरी, वो जो है कुछ डॉग्स डिनर, जो डॉग्स का जो खाना है ना लेफ्ट ओवर, जो बचा कुचा खाना था वो ओलिवर को देती थी। और देन टू केम इन टू अ रूम, और फिर ओलिवर को जो है उस रूम में लेकर चली गई जहाँ पर कॉफिन्स वर कैप्ट, अब कॉफिन्स क्या होती हैं, जो जिसमें जो है मुर्दा जो है डाला जाता था, डब्बा जो है उसको कॉफिन्स, उस कमरे में लेकर गई। ठीक है, मिसेस सॉवरबेरी, यू कैन स्लीप इन हियर, मिसेस सॉवरबेरी बेरी ने क्या कहा ओलिवर से कि तुम यहाँ सो सकते हो। अब नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन क्या हुआ, एक बड़ी सी आवाज़ आई, सेड ओलिवर डू यू वॉन्ट अ कॉफिन सर, फिर ओलिवर समझा कि कोई कॉफिन लेने आया है, जो डब्बा होता है ना ताबूत। ठीक है, फिर ओलिवर समझा कि कोई कॉफिन लेने आया है अगले दिन, तो यू विल बी नीडिंग वन बिफोर लॉन्ग, द बॉय सेड किकिंग ओलिवर, फिर ओलिवर को धक्का मारा कि नहीं मैं जो है, फिर उस शख्स ने कहा, ओलिवर तो समझा कि कोई जो है कॉफिन लेने आया, लेकिन फिर उसने जो है ओलिवर को धक्का मारा और कहा कि मैं नोहा क्लेपॉल हूँ, मैं जो है कोई ख़रीदने नहीं आई, बल्कि मैं तो मिस्टर सॉवरबेरी के साथ काम करती हूँ और तुम मेरे साथ काम करो, अब तुम मेरा काम करो। इस तरीके से ही लेफ्ट ओवर डाउन टू द किचन, फिर उसने धक्का मारा, किक करा नोहा ने ओलिवर को और उसको किचन में फेंक दिया। ठीक है, वेयर चार्लोट, वहाँ पर जो है मेड होती थी, नौकरानी होती थी चार्लोट, जिसका नाम था चार्लोट, आई सेव्ड योर नाइस पीस ऑफ मीट फ्रॉम द मास्टर्स ब्रेकफास्ट, फिर उसने कहा कि ओलिवर से कि मैं जो है तुमको जो है गोश्त का टुकड़ा दूंगी अगर ब्रेकफास्ट बने मास्टर्स के ब्रेकफास्ट से। ठीक है, ओलिवर हैड नथिंग बट ड्राई फ्रेड, लेकिन ओलिवर के पास कुछ भी खाने को नहीं था, सिर्फ एक रूखी सूखी ब्रेड थी। सम वीक्स लेटर, इसी तरीके से कुछ वक्त गुजरता गया और जो कुछ हफ्ते गुजरते गए, तो मिस्टर सॉवरबेरी ने अपनी वाइफ से कहा, अपनी बीवी से कहा कि माय डियर आई हैव एन आइडिया, यंग ओलिवर जो है छोटे, मिस्टर सॉवरबेरी ने मिसेस सॉवरबेरी से कहा, अपनी वाइफ से कहा कि मेरे पास एक आइडिया, ओलिवर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा बच्चा है और जो है गुड लुकिंग है, और लेकिन उसका फेस जो है सैड है, ठीक है, उदास सा फेस लगता है, इसको जो है हम लोग जो है प्रोसेशन, मॉर्नर्स की प्रोसेशन के लीड करने के लिए बिठा देते हैं। ठीक है, गमज़दा जो होते हैं ना मरने वालों के, अब इन्होंने कहा, मिसेस सॉवरबेरी ने कहा यस, इट्स एन एक्सेलेंट आइडिया,
कि बच्चों के जो फ्यूनरल्स होती है ना, जो बच्चे मर जाते हैं उनका जनाजा है ना, उनमें भेज देते हैं, ठीक है, उसको ब्लैक ड्रेस पहना देते हैं और वो मॉर्नर्स गमजदा लोगों के प्रोसेशन में भेज देते हैं। मिसेस सॉवेर बनी, यस ये बहुत अच्छा आइडिया, वहाँ पर बहुत सारी देयर आर मैनी चिल्ड्रन डाइंग एट दिस टाइम, उस वक्त जो है ना बच्चे बहुत ज़्यादा मर रहे थे और वहाँ पर अंडरटेकर्स के लिए बहुत ज़्यादा काम था, अंडरटेकर्स जो कफन दफन करते हैं ना उनके लिए बहुत ज़्यादा काम था और वहाँ पर बच्चे उस जमाने उस वक्त ना बहुत मर रहे थे। तो मिस्टर सॉवेर बनी ने कहा कि ये बहुत अच्छा आइडिया और ये वो ओलिवर की बहुत बड़ी कामयाबी होगी क्योंकि वो उनके साथ मतलब गमजदा लोगों के साथ मतलब ब्लैक ड्रेस में बैठा होगा। लेकिन उस वक्त जो है ना जो नोहा है ना, नोहा कौन थी, नोहा कौन थी, अब यहाँ पर लिखा असिस्टेंट थी, मिस्टर सॉवरबेरी की असिस्टेंट है नोहा, ठीक है, वो जो है ओलिवर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, वो जेलिस हो जाती थी क्योंकि मिस्टर सॉवरबेरी और मिसेस सॉवरबेरी इसको ज़्यादा प्यार करने लगे थे ना, तो वो नोहा जो असिस्टेंट थी वो जेलिस होने लगी थी। एक दिन जो है नोहा से नोहा ने ओलिवर को तंग करा और कहा कि बताओ तुम्हारी मदर क्या है, तो ओलिवर ने बहुत ने ओलिवर ने कहा कि शी इज़ डेड, वो मर उनकी डेथ हो चुकी है, बहुत दुखी अल्फाज से, तो शी वॉज बैड, इफ़ शी वर अलाइव नाउ शी वुड बी इन प्रिजन। और जो है नोहा ने ओलिवर को तंग करा और कहा कि अगर वो ज़िंदा भी होती ना तो वो कैद में होती। तो ओलिवर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने ना नोहा का थ्रॉट से ओलिवर ग्रैब्ड नोहा बाय द थ्रॉट, उसके गले से पकड़ लिया, ठीक है। अब जो है नोहा ने चिखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये जो ओलिवर जो है मेरा कत्ल कर रहा है, ये वो सब इस तरीके से जो है ना इसको बहुत तंग करा नोहा ने, और मिस्टर सॉवरबेरी और मिसेस सॉवरबेरी को भी बुला लिया, बहुत तंग करा। फिर इस तरीके से जो है सबने समझे कि नोहा का जो है ओलिवर जो है कत्ल कर रहा है, मर्डर कर रहा है, तो ओलिवर रोने लग गया नो की, फिर उसको जो एक कमरे में बंद कर दिया गया ओलिवर को। फिर ओलिवर चीखता चलाता रखे लेट मी आउट, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मिस्टर बम्बल को भी बुला लिया, मिस्टर बम्बल ने भी इसको कमरे में बंद कर दिया और कहा मिसेस सॉवर मस्ट ने कहा कि ये पागल हो गया है, इट्स नॉट मैडनेस, ठीक है। अब मिस्टर सॉवर मिसेस सॉवरबेरी जो है ओलिवर का वो ख्याल कर रही थी, वो समझ रही थी कि सच बोल रहा है, कि इसने कहा नोहा सेड बैड थिंग्स माय मदर। ओलिवर ने फिर एक्सप्लेन किया कि नहीं, नोहा ने जो है मेरी मम्मा के बारे में बुरा भला कहा था, इस वजह से मैंने कहा। फिर मिसेस सॉवरबेरी ने ओलिवर का साथ दिया और कहा हाँ नोहा डिजर्व करती है, उसने अगर ओलिवर ने उसको मारा तो सही किया क्योंकि वो डिजर्व करती है। फिर मिसेस सॉवरबेरी रोने लग गई, मिस्टर सॉवरबेरी हिट ओलिवर एंड सेड हिम इनटू द जो हस्बैंड है ना मिस्टर सॉवरबेरी, उसने ओलिवर को धक्का दिया और कमरे में मतलब बंद कर दिया, सेंड हिम इनटू द बेड, ठीक है। फिर एलोन इन द डार्क ओलिवर क्राइड, फिर रोते पूरी रात जो है ओलिवर रोता रहा। एट डॉन ही गॉट अप, सुबह सवेरे में उठा और टाइड अ फ्यू क्लॉथ्स इनटू अ लार्ज हैंडकरचीफ, और एक जो है बड़े से रुमाल में अपने सारे कपड़े बंद किए, देन ओपन द डोर और दरवाज़ा खोला और वहाँ से रस्ते पर भाग गया, और उसने ये सोचा कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा और यहाँ से भाग जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि नोहा इसके पीछे पड़ गए थे, वो जेलिस हो रही थी और मिस्टर सॉवरबेरी को भी मतलब वो खिलाफ कर रही थी ओलिवर के। अब ठीक है, अभी आपको अच्छे तरीके से ये पैराग्राफ पढ़े, मैंने ये पैराग्राफ जो है एक एक लाइन आप अच्छे तरीके से पढ़े कि ओलिवर के साथ क्या हुआ था, और जो मिस्टर सॉवरबेरी हैं वो अंडरटेकर थे और उनकी जो असिस्टेंट था वो नोहा थी, यहाँ पर लिखा है ना असिस्टेंट नोहा थी और उनकी एक मेड थी, और वो जो है नोहा जेलिस हो रही थी ओलिवर से। अब इसकी एक्सरसाइज करेंगे यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 की। अब यहाँ पर जो है पेज नंबर 79 में लास्ट में सब कुछ लिखा हुआ है। अगर इसके जो है नॉवल पढ़ने से एक तो ये है कि आपकी जो विकेबलरी वर्ड्स आप फाइंड आउट करें, इसकी आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट होगी। अब यहाँ पर क्या लिखा है, ग्रीव, पहले का आंसर है अंडरटेकर, दूसरे का ग्रीव, थर्ड में प्रोसेशन, ठीक है। अभी आंसर आप जो है बुक में ही करें, और बी का जो है आंसर जो है मैं आपको यहाँ पर बतानी हूँ। अब आपको कॉपी में तो इसी तरीके से आपको ये बनाना है, टाइटल पेज बनाना है और ये जो है आंसर्स आपको लिखने हैं। पहले का ये एक्सरसाइज ए तो आपको बुक में ही करनी है, एक्सरसाइज बी का जो है डायलॉग्स गिवेन है, इसमें बताया गया कि ये किसने किसको बोले, ठीक है। आई नीड अ बॉय टू वर्क फॉर मी, आई विल टेक हिम, मुझे एक लड़का चाहिए जो मेरे साथ काम करे। अब आपको याद है ना किसने कहा था, मिस्टर सॉवरबेरी ने मिस्टर बम्बल से। बम्बल कौन होते हैं, जो वर्क हाउस में जो गरीब बच्चे रहते हैं ना वहाँ के लीडर होते हैं मिस्टर बम्बल। एक दिन मिस्टर सॉवरबेरी आया, ठीक है, वो अंडरटेकर होता है, उसने पूछा तो उसको ओलिवर का नाम दिया गया। अब सेकंड का है, अब ये डायलॉग्स बताएं इसको आपको बताने, ठीक है। अब इसका आंसर है थर्ड एक्सरसाइज सी। अब सी में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है, व्हाट वाज ओलिवर सक्सेस, ओलिवर की क्या सक्सेस थी कि वहाँ पर जो है उसको जो है प्रोसेशन ऑफ मॉर्नर्स बना दिया गया, ठीक है। अब ये आंसर ही आपको खुद ही लिखना है, अच्छे से समझे चैप्टर नंबर 3 को, एक एक लाइन अच्छे से समझे, विकेबलरी वर्ड्स ग्लॉसरी से देखें, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड का सवाल क्या है, व्हाट डिड ओलिवर से दैट ओलिवर हैड ट्राई टू डू,
ठीक है, नोहर ने क्या कहा कि ओलिवर क्या करना चाह रहा था, उसने नोहर ने तो झूठ बोला कि ओलिवर जो है इसका मर्डर करना चाह रहा है, ठीक है। अब थर्ड का आंसर आप खुद ही लिखेंगे कि ओलिवर डू टू मेक मिस्टर मिसेस सॉवर, ओलिवर ने क्या कहा कि जो है मिसेस सॉवरबेरी जो है इसके साथ थी ना, ओलिवर के रोने लग गई, ठीक है, ओलिवर मिसेस सॉवरबेरी रोने लग गई, ठीक है। अब आपको अच्छे से खुद ही पढ़ें, अगर समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।